Oh, God, is that burger? बर्गरों की तरह बर्गर नहीं खाना होता, बिल्कुल बन कबाब वालों की तरह बर्गर खाना होता, समझना। Hi guys, this is Muneeb Ali. आज मैं आया हूँ फूड हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक फूड रिव्यू करने, और मैं इस वक्त खड़ा हूँ कराची में गुलशन में बर्गर एंड बैरल पे। इन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ अपना रोजा इफ्तार करने के लिए। इनकी बहुत अच्छी डील चल रही है ऑल यू कैन ईट में। मैं यहाँ आया हूँ, इनके तरह तरह के बर्गर्स को ट्राई करूंगा और इनकी इस डील को बर्बाद कर दूंगा। ये छोटे मोटे जिस तरह बर्गर खाए नहीं जाते, ये लोग रिव्यू करते हैं ऑल यू कैन ईट में। मैं खा के दिखाऊंगा कि असली ऑल यू कैन ईट को बर्बाद कैसे करते हैं। तो गाइस 10 मिनट रह गए हैं रोजा खुलने में, और इन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारे मेन्यू में से जो चाहें वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने इनके दो बीफ बर्गर, दो चिकन बर्गर, दो विंग्स, दो ड्रिंक्स और बहुत सारी चीजें, भाई जो कुछ भी है 10 मिनट आपके पास, जल्दी ले आए। तो गाइस रोजा खुलने वाला है और मेरा खाना आने वाला है। अगर आप लोग भी चाहें तो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इनके डाइनिंग का सेटअप तो बहुत ही अच्छा है। और ये मेन गुलशन है इकबाल मस्कन चौरंगी ब्लॉक 7 पे सिचुएटेड है, और सिर्फ 1199 में ये ऑल यू कैन ईट डील को ऑफर कर रहे हैं, यानी इनके एंटायर मेन्यू से आप जो चाहें वो मंगा सकते हैं। तो अभी इनके बर्गर्स आने वाले हैं, मैं इनके बर्गर्स खाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इनका टेस्ट कैसा है। तो गाइस रोजा मैं अपना हमेशा खजूर और पानी से खोलता हूं और उसके बाद अपनी मील को एंजॉय करता हूं। तो गाइज मेरे बर्गर यहाँ पर आ गए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बर्गर इन्होंने यहाँ पर ला के रखे हैं, जिसमें दो बीफ के बर्गर, दो चिकन के बर्गर, मेरे पास चिकन विंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ डिप्स मौजूद हैं और मेरी कोल्ड ड्रिंक मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम ट्राई करेंगे राइट हैंड साइड से, जो कि लोडेड एक्स टू बीफ बर्गर है हमारे पास। उफ, डबल पैटी बीफ है और इसमें से मायो चीज, अनियन रिंग्स बहुत बाहर निकल रही है, बहुत मैसी सा हो रहा है ये बर्गर। इसको ट्राई करते हैं और फिर आपको इसका टेस्ट बताते हैं। मजा ही आ गया भाई, एक और एक और एक और। इनका बीफ बहुत ही टेंडर है यार, मुझे इतनी भूख लगी हुई है, रुका ही नहीं जा रहा मेरा। और आप देख सकते हैं कि हैलापिनोस, टमेटोज इसमें किस तरह से उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। और इनके सॉसेस भी यार बहुत ही प्यारे सॉसेस हैं इनके, मतलब कि इतना मजा आ रहा है खाने में। देखा आपने, बर्गरों की तरह बर्गर नहीं खाना होता, बिल्कुल बन कबाब वालों की तरह बर्गर खाना होता, समझना। ये आखिरी बाइट बचा है डबल डबल एक्स टू बर्गर की, ऐसी ही तैसी हो गई है। भाई दो तीन पेटी टिश्यू और दे दें। हाँ यार मैं आपको बताऊँ सच में, इनका बर्गर बहुत ही टेस्टी है। थोड़े से मीट में इनका मुझे लग रहा है कि हल्का सा टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, तो वो बाकी टेस्ट को एनहेंस नहीं कर पा रहा। लेकिन जो इनका बीफ है, मैं बोलता हूँ यार बहुत मजे का है, बहुत टेस्टी, और इसके जो स्पाइसेस है ना वो बहुत उभर उभर के सामने आ रहे हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड बर्गर की तरफ, जो है बैरल चिकन। और कहते हैं कि चिकन में ये इनकी स्पेशलिटी है, मैं ट्राई करके आपको बताता हूँ। ओए होए होए, इसमें कोई तंदूरी चिकन टाइप इन्होंने डाला हुआ है, और एक चेडर चीज़ डाली हुई है इसमें, लेटेस आइसबर्ग डाला हुआ है, और बहुत मज़े के स्पाइसेस हैं। ये देखें थाउजेंड आइलैंड सॉस कैसे निकल के बाहर आ रहा है, मैं बाइट करके आपको टेस्ट का बताता हूँ। ओह बहुत ही जबरदस्त बर्गर है। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी यहाँ आए और इनकी ऑल यू कैन ईट वाली डील को अवेल करें, क्योंकि इतने मजे मजे के, इतने डिफरेंट कैटेगरी के बर्गर हैं यहाँ पर, चिकन बीफ जो आप चाहें। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, और ले आए और ले आए। अब इसको किसी डिप के साथ हम ट्राई करते हैं यार। वैसे बर्गर में ऑलरेडी इतने सॉसेज होते हैं, ये डिप की जरूरत आपको पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी ये बारबेक्यू सॉस अगर जरा सा हम ट्राई कर लें इस पर। ओह ये जो लेयर है ना, आहा
ऐसा लग रहा है पहाड़ अंदर गया भाई, क्या बात है यार। दूसरा बर्गर भी अमरोज सिंह का खत्म होने वाला है, मैं देखता हूँ कितना खत्म कर सकता हूँ, कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की, नहीं हुआ तो एक आध छप्पर करके इनको बताएंगे कि हमारे पास खत्म हो गया और ले आए। मेरी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई भाई। अरे वाह भाई, ओए होए होए, इसी तरह तो खत्म हुई है पहली भी। तो गाइस दो बर्गर मैं अपने खा चुका हूं और अब मैं अपना थर्ड बर्गर ट्राई करने जा रहा हूं, जो कि है बीफ वूफर जिंगर, नहीं बीफ वूफर बर्गर। अच्छा, और डबल पैटी है ये भी, इसके अंदर भी चीज बहुत ज्यादा लोडेड है क्योंकि इन्होंने चिकन की पैटी के अंदर चीज डाली हुई है। ये देखें आप, मैं इसका टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। क्वाइट नाइस, लेकिन इसके बीफ का टेस्ट जो है वो पहले वाले बीफ के थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसमें थोड़े से स्पाइसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, ये थोड़ा माइल्ड माइल्ड सा है, लेकिन अच्छा है ये, वो जो बाकी लोग व्लॉगर वगैरह हैं उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हल्का है ना। वो बीफ वाला जो पहले हमने खाया तो वो थोड़ा भारी था, ये थोड़ा हल्का है, ये तो शायद आ गया भाई। अगर गाइस आप लोगों को भी ऐसी बॉडी बनानी है तो इस तरह की प्रोटीन एक्सेस अमाउंट में बहुत जरूरी है, और चिकन की ऐसी हालत करें आप, ऐसी कुछ जहां से जान निकलेगी तो यहाँ आएगी, वरना कहीं नहीं जाएगी। भाई मेरी हिम्मत खत्म होने लगी है, लेकिन तीसरा बर्गर जारी है और मेरे जो जुनून है वो अभी तक बाकी है, अब देखते कहां तक। अच्छा गाइस, ये पूरी इन्होंने चीज की कोटिंग की हुई है और उसी के अंदर चीज की फिलिंग भी की हुई है, जो कि ये मेल्ट हो रही है ना, बाहर आ रही है ये बीफ बर्गर और ऊपर सिर्फ चीज की पैटी है। एक और बाइट लेते हैं इसके साथ। ओहो, मेल्टेड चीज है इसके अंदर और बीफ को बहुत एनहेंस कर रहा है ये। ओह, मुझे लगता है कि मेरी हिम्मत खत्म होने वाली है और मैं शायद तीन बर्गर तक ही जाऊंगा, और ये चौथे बर्गर को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मेरे मुंह में आने के लिए। वैसे ये है कौन सा चिकन? ओहो, चिकन चैटर बर्गर, ये इनका बहुत मशहूर चिकन में बर्गर है, चिकन चैटर बर्गर, जिसके अंदर ये इन्होंने एक चिकन की पैटी डाली हुई है, मल्टीपल इसमें सॉसेस ऐड हैं, चीज फिल्ड हुई हुई है इस पैटी के अंदर ही ऑलरेडी। ये देखें अगर मैं यहाँ से आपको देखा, ओए होए, इसका भी बाइट मारना है यार, मैं इसका बाइट मार लेता हूँ। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात है, बर्गर भी बहुत अच्छा है, लेकिन तो बहुत ज्यादा चीज हो गई क्योंकि ये देख रहे हैं आप पूरी मेल्टेड चीज की पैटी डाली हुई है इसमें, तो इसमें चीज का टेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब इसमें बर्गर का मतलब चिकन पैटी का अपना टेस्ट है लेकिन वो दब रहा है काफी। वह यार, मुझे लग रहा है कि मैं बर्गर ख़त्म नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इनसे पूछ लेता हूँ क्योंकि ऑल यू कैन ईट में आपने अगर बहर में घर नहीं ले जा सकते आप कोई भी सामान ना, लेकिन मुझे तो ये लोग मना नहीं करेंगे, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सभी भाई घर ले जा सकते हैं क्या? हाँ, फिर कोई मसला नहीं, हम तो ले जाएंगे, लेकिन आप लोग फिर भी पूछ लीजिएगा भाई। उफ गाइस, तो बस मेरी अब हो गई है, बस अब मैं और नहीं खा पाऊंगा, लेकिन क्या डील है यार, 1199 में बर्गर एंड बैरल में। आपको अगर इधर आना है तो मेन मस्कन चौरंगी गुलशन इकबाल में ब्लॉक 7 पे बना हुआ ये, आप लोग भी आएं और इस डील को रमजानों में जल्द से जल्द अवेल करें, क्योंकि मैं कहता हूं कि इससे अच्छी डील तो आई नहीं है आज तक। और हाँ गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।